एवरीवन, एज यू नो आई एम मेघा फ्रॉम बी आर ग्लोबल स्कूल। आप जानते हैं जैसे COVID-19 चल रहा है तो वी आर रियली वरीड अबाउट योर स्टडीज। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से। ये हमारा सेकेंड वीडियो है और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। अब तक हमने पढ़ा था द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन के बारे में। नेपोलियंस की बात हुई थी यहाँ पर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के बारे में। यस स्टूडेंट, नो नेशन स्टेट्स फॉर इन यूरोप। अभी तक क्या था कि वहाँ पर नेशन स्टेट्स नहीं थे बिकॉज ऑफ नॉट कॉमन आइडेंटिटी और कल्चर, क्योंकि पीपल्स की ना ही कोई कॉमन आइडेंटिटी थी और ना ही कल्चर था। मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म, कैसे नेशनलिज्म की वहाँ पर स्थापना हो रही है। पीपल रिसाइडिंग इन डिफरेंट एरियाज, लोग अलग अलग एरियाज में रहते थे एंड स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस। एग्जाम्पल, हंगरी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक मैग्यार एंड अदर्स स्पोक वेराइटी ऑफ डायलैक्ट्स, कि अलग कुछ बहुत से लोग अपनी अलग सी लोकल लैंग्वेजेस यूज़ करते थे। एंड गैलेशिया पीपल स्पोक पॉलिश, और डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस का यहाँ यूज़ हो रहा था कि कोई भी कॉमन लैंग्वेज नहीं थी। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडल क्लास। बेटा एरिस्टोक्रेसी, पहले दो ही क्लासेस होते थे, ठीक है, एक एरिस्टोक्रेसी और दूसरा अगर हम बात करते हैं पीजेंट्री। आप एरिस्टोक्रेसी को बड़े इजीली समझ सकते हैं कि अमीर लोग जिनके पास सारे राइट्स थे, और वैसे आप देखोगे कि जितने रिच पीपल होते हैं वो वैसे स्मॉल ग्रुप में होते हैं नंबर्स में काउंट करो तो, बट उनके पास खुद की ज़मीनें और बहुत सारे वैसे रिसोर्सेज रहते हैं। सेकेंडरी था पीजेंट्री, जो बहुत गरीब लोग थे जिनके पास लैंडलेस भी आप पीपल्स कह सकते हैं। एरिस्टोक्रेसी द लैंड ओनिंग क्लास, कि जिनकी खुद की ज़मीनें थी। स्पोक फ्रेंच कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिजेस, ये लोग अपने ही फ्रेंच पीपल्स के अंदर ही जो उनके ही ग्रुप के लोग होते थे उनमें आपस में शादियां भी किया करते थे। न्यूमेरिकली अ स्मॉल ग्रुप, ये स्मॉल ग्रुप था। पीजेंट्री की बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन गरीब लोग बहुत ज़्यादा थे और इनके पास ना खुद की ज़मीनें थी, रिसोर्सेज कम थे। अब एक नया ग्रुप आता है मिडिल क्लास। न्यू सोशल क्लास इमर्ज विद द ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड एमर्जेंस ऑफ कमर्शियल क्लासेस। अब यहाँ पर कुछ नए लोग जुड़ते हैं जिसके लिए, जिसमें ये पढ़े लिखे लोग ज़्यादातर एजुकेटेड पीपल थे। बेटा यहाँ पर एजुकेटेड क्लास वेयर आइडियाज़ ऑफ नेशनलिटी गेन पॉपुलरिटी। अब ये क्या चाह रहे थे, ये कुछ नए तरह के आइडियाज़ लेके आना चाहते थे। ये चाहते थे कि जो बाय बर्थ से जो प्रिविलेज मिलती आ रही हैं ये सब खत्म हो जानी चाहिए, लोगों के उसकी एलिजिबिलिटी के बेस पर ही सिस्टम होना चाहिए। कम टू आर नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट डज लिबरलिज्म नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। लिबरलिज्म की डेफिनेशन क्या है। लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम। लिबरलिज्म का मतलब क्या है, फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी फॉर ऑल बिफोर द लॉ। कि लिबरलिज्म का मतलब एक तो फ्रीडम है, दूसरा कि हर पर्सन को इक्वलिटी होनी चाहिए किसके नज़र में, कानून के। द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लरिकल प्रिविलेज, कि जो ऑटोक्रेसी जो मोनार्की सिस्टम चलता आ रहा है और जो उन्हें प्रिविलेज मिलती थी उसे ख़त्म कर देना चाहिए। अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट, कि गवर्नमेंट कैसे चुनी जानी चाहिए पार्लियामेंट में, और कॉन्स्टिट्यूशन होना कंपलसरी होना चाहिए। इन द इकोनॉमिक्स पे, अगर हम इकोनॉमिकली मनी के मार्केट के वे में बात करते हैं, लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट, कि लोग क्या चाह रहे हैं कि अब कोई भी गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए। एंड द एबोल्यूशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन, की जो गवर्नमेंट यहाँ पर सरकार लगा रही है वो रिस्ट्रिक्शन को ख़त्म कर दिया जाए ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल्स पर। जॉलब्रिन एबोलिश टैरिफ बैरियर्स, जॉलब्रिन ने क्या किया, एबोलिश किया है टैरिफ बैरियर्स को, रिड्यूस किया नंबर ऑफ करंसीज को। बेटा फ्रांस के अंदर ही बहुत सी करंसीज चल रही थी जो कम से नियर बाय 30 के अराउंड थी। एंड प्रमोटेड अ नेटवर्क ऑफ रेलवेज, और किसको प्रमोट कर रहे हैं वो, रेलवेज को, कि ताकि स्टिमुलेट मोबिलिटी हो सके। नेक्स्ट आता है न्यू कंजर्वेटिव आफ्टर 1815। कंजर्वेटिव पीपल वो थे बेटा जो लोग क्या चाह रहे थे कि जैसे चल रहा है मोनार्की सिस्टम रहे, ऐसे ही हमारे हाथ में पावर्स बनी रहे और धीरे धीरे बदलाव आते रहे। बिलीव दैट एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी शुड बी प्रिजर्व विद द
चेंजेस इनिशिएटेड बाय नेपोलियन, कि चेंजेस होते भी रहें धीरे धीरे, लेकिन जो सिस्टम चल रहा है वो चलता भी रहे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी ऑफ वियना में क्या था कि बर्बन डायनेस्टी वॉज रिस्टोर्ड टू पावर इन फ्रांस। बर्बन डायनेस्टी को दोबारा से रिस्टोर कर दिया गया। बेटा 1815 की बात अगर हम कर रहे हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि 1804 के अंदर नेपोलियन आए थे। नेपोलियन बोनापार्ट का रूल रहा है 1804 से 1815 तक। 1850 के अंदर जब वो चला गया, वो डिक्टेटर था, उसके बाद क्या था कि दोबारा से बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर कर दिया गया। ए सीरीज ऑफ स्टेट क्रिएटेड ऑन द फ्रेंच बाउंड्री फॉर प्रिवेंटिंग फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर। बाउंड्रीज क्रिएट की गई, जर्मन कन्फेडरेशन वॉज लेफ्ट अनटच। जर्मन की जो कन्फेडरेशन था उसको अभी भी कुछ भी टच नहीं किया गया था। मेन इंटेंशन वॉज टू रिस्टोर द मोनार्कीज। मैंने आपको पहले भी ये फर्स्ट पॉइंट में क्लियर किया है कि मोनार्कीज को ही दोबारा से रिस्टोर करने का सिस्टम किया गया था, दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन, जिसको नेपोलियंस ने ओवरथ्रो किया था। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक द रेवोल्यूशनरीज। अ कमिटमेंट टू पोज मोनार्कियल फॉर्म दैट हैड बीन एस्टैब्लिश्ड आफ्टर द वियना कांग्रेस एंड टू फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम। रिवोल्यूशनरीज का मेन पर्पस क्या था कि जो एस्टैब्लिश हो चुके हैं मोनार्की सिस्टम को ख़त्म किया जाएगा, वियना कांग्रेस ने जो प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं, और लड़ा जाएगा किसके लिए, फ्रीडम के लिए, लिबर्टी के लिए। यहाँ बात आ रही है गिसिप्पे मेज़िने की। ये पैदा हुआ जिनोवा 1807 में। ये सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर था कार्बोनेरी का। फाउंडेड यंग इटली एंड यंग यूरोप। इसने दो सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म की थी, यंग इटली और यंग यूरोप के नाम से। बिलीव्ड इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली इनटू अ रिपब्लिक। अब ये क्या चाहता था कि इटली का भी यूनिफिकेशन होना चाहिए, ये भी अपने नेशन स्टेट बनाएं। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द एज ऑफ रेवोल्यूशंस। एज ऑफ रेवोल्यूशंस में है 1830 से लेके, ये पार्ट काउंट किया गया है बेटा 1848 तक का। 1830 जुलाई 1830 बर्बन किंग ऑफ फ्रांस वॉज ओवरथ्रोन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वॉज एस्टैब्लिश। 1830 के अंदर बर्बन डायनेस्टी को भी निकाल दिया गया। अब यहाँ पर क्या सिस्टम सेट हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही रूल होता है, लेकिन जो किंग होता है वो जस्ट एक नॉमिनल हेड होता है, उसके पास पूरी पावर्स नहीं होती हैं। बेल्जियम ब्रोक अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड। अब यहाँ पर इसके अलावा दूसरी जगहों पर भी प्रॉब्लम आ रही थी, वो कहाँ थी, बेल्जियम के अंदर। ग्रीस वॉज हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर। ग्रीस किसका पार्ट रहा, ऑटोमन एम्पायर का, कब से, सिंस द 15th सेंचुरी। स्ट्रगल फॉर ग्रीस भी इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल कर रहा था। ग्रीस के लिए क्या रहा है, यहाँ पर एक ट्रिटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुई है 1832 के अंदर, और उसके बाद ग्रीस जो है वो इंडिपेंडेंट नेशन बन गया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। रोमांटिक इमेजिनेशन, और इसको रोमांटिज्म भी कहा जाता है। रोमांटिज्म का क्या है, यहाँ पर देशभक्ति की बात की जा रही है। कल्चरल मूवमेंट विच सोट टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन। ये क्या बात कर रहे हैं कि नेशनल सेंटिमेंट की बात तो की जाए, लेकिन इसके अंदर वो साइंस और रीजन को बात नहीं कर रहे, ये फोकस कर रहे हैं इंस्टेड ऑन इमोशंस इंस्टीट्यूशन एंड मिथिकल फीलिंग्स। देशभक्ति की फीलिंग्स जो हैं वो अपने प्यार से देशभक्ति को दिखाना चाहते हैं, साइंस और रीजन को इंक्लूड नहीं करना चाहते। जर्मन फिलोसोफर जोन गोटफ्राइड हार्डर ट्राइड टू डिस्कवर कल्चर अमंग कॉमन पीपल। ये किसके, ये मेन जो पर्सन है इसमें जॉन गॉटफ्राइड, वो क्या चाह रहे हैं, कॉमन कल्चर की बात कर रहे हैं, कॉमन पीपल की बात कर रहे हैं। वो किसके थ्रू बात कर रहे हैं, फोक सॉन्ग, फोक पोइट्री होनी चाहिए और फोक डांसेस, कि यहाँ पर लोगों ने कुछ गाने कुछ गीत गाए थे देशभक्ति के, पोइट्रीज की थी, डांसेस किए थे। ये मेनली उस चीज़ की बात कर रहे हैं, साइंस और रीजंस को इंक्लूड नहीं करना चाह रहे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अब अपने घर पे अपने नोट्स बनाने हैं, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से टॉपिक को रिवाइज करना है। सो बी एट होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।